गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों दोस्तों आपको बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड मॉप अप राउंड का एक तहलका मचा हुआ है। उसी के बीच में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, स्पॉट राउंड का जो कि पोर्टल ओपन कर दिया गया है, किसको जाना है, कैसे जाना है कि नहीं जाना है, सारी बातों को हम लोग इसमें करेंगे क्लियर। तो दोस्तों आपको बता दें, स्पॉट राउंड देखिए यहाँ पे नोटिस इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो पहले इस नोटिस को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाइए रजिस्ट्रेशन करिए, या रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो क्या होगा आइए देखते हैं। तो जैसे ही आप नोटिस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस मतलब या पीडीएफ पीपीटी आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियरली दोस्तों मेंशन है, क्या मेंशन है दोस्तों, बता रहा है कि सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन इन मॉपअप या स्पॉट राउंड इन यूजी कोर्सेस। सबसे पहले तो आपको बता दें, मॉपअप या स्पॉट, मॉपअप का ही दूसरा नाम स्पॉट राउंड होता है, ठीक है ना। डियर कैंडिडेट, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होल्डिंग मॉपअप राउंड अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर रेगुलर एंड पेड सीट इन डिफरेंट यूजी कोर्सेज 15th एंड 16th नवंबर 2022 फॉर द बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज। कह रहा है कि मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज के लिए मॉपअप राउंड ये होने जा रहा है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन क्या है दोस्तों, 16 नवंबर को शाम को 5 बजे तक, मतलब 16 नवंबर को शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो अगर के ऑनलाइन करते हैं तो उनको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे भरना है। तो दोस्तों आपको बताते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट नोट बताया कि ओनली दोज कह रहा है कि किनको किनको जाना है, ओनली दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद बीएचयू आर एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड। कह रहा है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था बट वो प्रिफरेंस एंट्री फॉर्म भरना भूल गए थे, वो इसको फिलअप कर सकते हैं। दोज हु हैव मिस्ड फाइलिंग ऑफ प्रिफरेंस एंट्री आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर स्पॉट रजिस्ट्रेशन, है ना। तो अब जिन्होंने, वही ऊपर की बातें फिर से बोल दिया है, ठीक है ना। तो आप बोला कि जिन्होंने प्रिफरेंस एंट्री फॉर्म नहीं भर पाया था, दोज हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ प्रिफरेंस एंट्री बट हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट शैल हैव टू कंप्लीट स्पॉट, मतलब जिन्होंने प्रिफरेंस एंट्री फॉर्म भर दिया था बट उनको अभी तक सीट नहीं मिला है तो उनको भी भरना है। सुन लीजिए, जिन्होंने प्रिफरेंस एंट्री फॉर्म भर दिया है बट अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन उनको कोई सीट नहीं अलॉट होता, उनको भी ए स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना है। दोज हु है हु सम हाउ मिस्ड डिपॉजिट द फी। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जो नालायक टाइप के होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर दिए अपने मम्मी पापा के पैसे से, प्रिफरेंस एंट्री फॉर्म भी भर दिए और यूनिवर्सिटी क्या करती है उनको सीट भी दे देती है, वो सोए रहते हैं, मतलब दिन रात सोए रहते हैं, 36 घंटे 48 घंटे 72 घंटे हो जाते, फिर उनको याद आता है अरे हम बीएचयू का फॉर्म भरे थे क्या, है ना, और उनका छूट जाता, अब वो रोने लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी बोलती है रुको हम चांस देते, तो आपको चांस मिल गया नालायक, वो आके अपना भर लो, ठीक है। तो जिनको सीट मिल चुका था फीस देना भूल गए थे वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। दोज हु आर एडमिटेड इन कोर्स शैल नॉट बी अलाउड फॉर स्पॉट, मतलब जिन्होंने, जिनको कोई कोर्स मिल चुका है, जो सीट मिल चुका है, वो नहीं आएंगे, ध्यान रखेंगे। द कैंडिडेट शैल हैव टू विजिट, मतलब बीएचयू ऑनलाइन पे आप जाइए रजिस्ट्रेशन करिए, है ना, क्लिक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन लिंक, मतलब यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ और यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर्च यूजिंग सीयूटी एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका ओपन हो जाएगा ना, आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा और डेट ऑफ बर्थ से वो ओपन हो जाएगा। फिर उसमें आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालेंगे, एटलीस्ट दो मोबाइल नंबर डालोगे जो एक्टिव हो, मतलब जिसपे कॉल करने पर आप उठा लो तुरंत, मतलब पिछले अगला जो भी आपका 48 घंटा 24 घंटा 72 घंटा 100 घंटे होने वाले हैं, आपको टाइम टू टाइम मतलब एटलीस्ट कम से कम 10 से 5 बजे के बीच में आपको एक्टिव रहना है ना, कभी भी कॉल आ सकता है। टिक द चेक बॉक्स द कोर्सेस इंटरेस्टेड फॉर द स्पॉट राउंड, है ना, मतलब उसमें जो भी है अलग अलग कोर्सेस को आपको टिक करना है कि, है ना, जैसे बीओ वगैरह वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि उनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है ना। बीकॉम में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। फिल अप द प्रेफरेंस ऑर्डर सब्जेक्ट, मतलब आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से कि पहले हिस्ट्री फिजिक्स सॉरी हिस्ट्री क्या बोलते हैं यार, हाँ हिस्ट्री जियोग्राफी, और आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं पॉलिटी उसके हिसाब से रहेगा, इकोनॉमिक्स, फिर जो लैंग्वेज वगैरह है। अच्छी एक लाइन बहुत अच्छी बोल दी यहाँ पे, दोज हु ऑप्ट फॉर ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नीड नॉट रिपोर्ट फिजिकली, अगर जो ऑनलाइन कर देते हैं उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, मतलब जो बहुत दूर जमशेदपुर या फिर अलग अलग जगह से जो बच्चे और गार्जियन कॉल कर रहे थे सर हमको इतना दूर से आना पड़ेगा, तो आप लोग के लिए वीडियो है कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सर क्या ऑनलाइन ना करके हम वहां पे जाए, ऑनलाइन भी कर दे और वहां पे जाए, नहीं ऑनलाइन कर देंगे तो नहीं आना है। तो फैकल्टी अगर कैसे जाना है, तो आप सीधे, जैसे अगर बीए ऑनर्स आर्ट वाले हैं बच्चे,
तो वो लैंग्वेज में लैंग्वेज लैब फैकल्टी आप आर्ट में जाएंगे, मेल होंगे तो फीमेल होंगे ऑडिटोरियम में जाएंगे, बैचलर वोकेशन में मेल होंगे तो लैंग्वेज लैब फैकल्टी ऑफ आर्ट में जाएंगे, बैचलर वोकेशन फीमेल होंगे तो ऑडिटोरियम फैकल्टी ऑफ आर्ट में जाएंगे, ये सब देख लीजिए। कॉमर्स वाले बच्चे जो है वो देख लीजिए यहाँ पे, अगर बी ए सोशल का है तो चाहे मेल फीमेल हो आप चले जाएंगे समन्वय भवन जो है ओल्ड पीजी बिल्डिंग है ना। बीकॉम ऑनर्स जो मेल फीमेल दोनों फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाएंगे है ना, और बीकॉम ऑनर्स जो ओनली फीमेल है वो महिला महाविद्यालय में जाएंगे, ठीक है ना, एमएमबी में महिला महाविद्यालय, ठीक है ना। और बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट जो मैनेजमेंट है वो मेल फीमेल मेल कहाँ चले जाएंगे, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखिएगा आप वहां पे आइएगा मेन कैंपस बीएचयू में आइएगा, वहीं पे महिला महाविद्यालय और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स दोनों, ज्यादा दूर की जरूरत नहीं है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आपको जाना है वहां पे, अगर आप फिजिकली आते हैं तो अब देखिए आपको वही चीजें हिंदी में लिखा हुआ है कि हिंदी में जो लोग ऑनलाइन स्पॉट पंजीकरण का विकल्प चुनते हैं उन्हें भौतिक रूप से है, भौतिक विज्ञान का नहीं मतलब फिजिकली आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको करना क्या, आपको दोस्तों अब यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक कैंडिडेट का आपको एक कैंडिडेट का भर के दिखा भी देते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जस्ट अभी एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो देखिए इनका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जानने पर आप ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बहुत बड़ा डाउट है कॉमर्स, हालांकि जो बीए वगैरह के बच्चों हैं वो अपना भर के जाए, कॉमर्स का थोड़ा सा डाउट है सर इसमें भरना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक्टिव ईमेल डालना है और यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर ऑप्शनल मोबाइल नंबर मतलब दोनों आप डालिएगा जिससे कॉल करने पे इजिली वो उठा ले, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों कोर्स के लिए करना है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको टिक कर देना यस। सर अब इसमें क्या भरना है, जैसे अगर कि जो बीए के बच्चे हैं तो अपना लैंग्वेज यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल बता दिया जैसे इंग्लिश हिंदी संस्कृत या इंग्लिश हिंदी संस्कृत मतलब यहाँ भरना है, तो कॉमर्स के बच्चों को क्या भरना है, तो हमको लगता है कॉमर्स के बच्चों को यहाँ पे ऐसे कॉमर्स लिख देना होगा, आई थिंक जितना हमको पता है कि आप यहाँ पे कॉमर्स लिख दीजिएगा, बट अभी हम आपको कन्फर्मेशन वाले वीडियो बना के दे देंगे ना। अब यहाँ पे फैकल्टी रेगुलर पेड सीट के लिए रेगुलर फीस सीट के लिए यहाँ पे एस कर दीजिएगा, फैकल्टी पेड सीट के लिए है ना, आरजीएससी के लिए एफिलिएटेड है ना, पहले आप एफिलिएटेड के लिए कर लीजिएगा एफिलिएटेड पेड, उसके बाद आरजीसी ऐसे टिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो यह दोस्तों रहा, अब या हमको लगता है कि आपको यह सभी एक साथ करने हैं या फिर बार बार है, जैसे यहाँ पे कॉमर्स लिख के जैसे हो सकता है पहली बार यहाँ पे पहली में टिक किए होंगे उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हमको नहीं, बट हम ऑफिस से पता करके आपको बता देंगे, फिर दूसरी बार ऐसे करना होगा कि एक ही बार में कर देना है, ये थोड़ा सा डाउट है। और कॉमर्स वाले बच्चों को इसमें क्या भरना है ये थोड़ा सा डाउट है, तो हम आपको फैकल्टी से पता करके आपको बता देंगे, यहाँ पे आई एग्री करके आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अभी सबमिट इनका नहीं करेंगे बिकॉज अभी क्लियर है नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे इनका सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ऐसे भरना था, सबमिट आप कर दोगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन अगर ऐसे करते हैं तो उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके आप फैकल्टी में चले आइए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में बिकॉज आपको सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2023 का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स इनरोल करा ले और बहुत ही मिनिमम चार्ज में, आपको बता दें इसे लगभग आपका मंथली का 500 रुपया चार्ज आएगा, इतना सा बस है, ठीक है ना। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिनका एकदम बहुत कम मार्क्स आया है, अगर वो अगला सीयूटी 2 की मई में ही होगा तो तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को इनरोल कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पे जाए और उसको देख ले, और ऐप का भी लिंक है वहां पे डाउनलोड कर ले या फिर प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर। थैंक यू सो मच।